दोस्तों मेरे क्लिनिक पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कोई इंक्वायरी आती है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हेलो क्या वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात हो रही है मेरी। मुझे उनको बताना पड़ता है कि भैया साइकाइट्रिस्ट से आप बात कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज वो चीज़ फिर से दोबारा हुई सुबह और मैंने सोचा कि चलो यार इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना लेते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि साइकाइट्रिस्ट कौन होता है और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। दूसरी चीज ये कि साइकाइट्रिस्ट क्या क्या काम करता है और साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम करता है। और तीसरी चीज़ ये कि आपको कब साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइकाइट्रिस्ट से। दोस्तों साइकाइट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है, ठीक है। वो पहले MBBS करता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है। साइकेट्री एक फील्ड है जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करता है, जैसे MD फिजिशियन डॉक्टर होते हैं जो मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं जो ऑर्थोपेडिक फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो आई फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे साइकेट्री जो है वो ब्रेन के फील्ड के अंदर जो दिमाग है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जो मेंटल हेल्थ है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, दवाइयां देता है। अब देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट उनको थेरापिस्ट भी कहा जाता है जो काउंसलिंग लेने का काम करते हैं, ठीक है। वो या तो BA MA उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो MPhil का कोर्स होता है वो करते हैं, या फिर BSc MSc के बाद जो MPhil का कोर्स होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो करते हैं। कुछ कुछ लोग उसके बाद PhD भी कर सकते हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। तो साइकेट्रिस्ट जो है डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट जो है थेरापिस्ट है, वो डॉक्टर नहीं होते। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकेट्रिस्ट का क्या काम करते हैं, ठीक है। तीन तरह के डिसऑर्डर होते हैं जो साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवाइयाँ लिखते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले होते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जो भी अलग अलग तरह की दिमागी बीमारियाँ हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ लिखते हैं, उसके ज़रिए वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। डिप्रेशन है, एन्जाइटी है, साइकोसिस है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, PTSD है, OCD है, वैसे अलग अलग तरीके की जो दिमागी बीमारियाँ होते हैं उसमें साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं, दवाइयाँ लिख सकते हैं। दूसरी होती है एडिक्शन, जो अलग अलग एडिक्शंस होते हैं, तम्बाकू का एडिक्शन हो गया, शराब का एडिक्शन हो गया, ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, उसमें भी डी एडिक्शन सर्विसेज साइकेट्रिस्ट देते हैं। और तीसरा होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमैच्योर इजेक्युलेशन होता है, वजैनिस्मस होता है, एन्जाइटी जो होती है, परफॉर्मेंस एन्जाइटी जो होती है, ठीक है। तो ऐसी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैंने कहा थेरापिस्ट होते हैं, वो थेरेपी देने का काम करते हैं, काउंसलिंग देने का काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की जो बीमारियां होती हैं जहाँ पे काउंसलिंग हेल्प करता है, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वो काउंसलिंग से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो मेडिसिन नहीं लिख सकते, वो दवाइयाँ नहीं दे सकते। अगर आपको दवाइयों के ज़रिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग चाहिए तो साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, जैसे IQ टेस्ट हो गया, वो साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरे कुछ टेस्ट होते हैं जैसे TAT होता है, CAT होता है, रोशाक टेस्ट होता है, वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जो अलग अलग तरीके की दिमागी बीमारियों में हम रिकमेंड करते हैं टेस्ट, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बच्चों के अंदर ADHD असेसमेंट टेस्ट हो गया, ऑटिज़म असेसमेंट हो गया, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, ये साइकेट्रिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो टेस्टिंग और थेरापी का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, दवाइयाँ लिखने का काम, ट्रीट करने का काम साइकेट्रिस्ट करते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन,
कब आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, कब आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं साइकोलॉजिस्ट के पास आता हूँ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ काउंसलिंग के ज़रिए भी ठीक की जा सकती है, जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप होता है और वो इंसान दिन भर सैड रहता है, ठीक है, तो उस केस में काउंसलिंग हेल्प करता है। कपल्स हैं जिनके बीच में मैरिटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे थेरापिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फैमिलीज़ के बीच में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो फैमिली थेरापी भी साइकोलॉजिस्ट अच्छे से कंडक्ट करता है, उसमें भी काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। अब आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। सो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ साइकेट्रिस्ट ट्रीट कर सकता है, जहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, स्किजोफ्रेनिया है, मेजर डिप्रेशन है, ठीक है, ओसीडी है। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है, वहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग हेल्प नहीं करती। और आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।